गिरोर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधियों सहित भारी मात्रा में असला और कारतूस किए बरामद। थाना गिरोर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र में ग्राम लोहाप लखेड़ा में दो पक्षों में फायरिंग चल रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम गांव लोहवल खेड़ा पहुंची तो अनिरुद्ध यादव आदि तथा नेम सिंह यादव आदि के बीच फायरिंग चल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम के द्वारा ललकारा गया और फायरिंग बंद करने के लिए कहा गया तो एक राय होकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे और भाग गए। पुलिस की अलग अलग टीमें ग्राम लोहवल खेड़ा के लिए रवाना हुई, जिनके द्वारा अलग अलग स्थान से अनिरुद्ध सिंह यादव पुत्र रामोतार, चंद्रशेखर पुत्र रामोतार, नेम सिंह पुत्र आराम सिंह, अनुप पुत्र लालाराम यादव, अनुज कुमार पुत्र दलवीर सिंह निवासी गढ़ ग्राम लोहब लखेड़ा थाना घिरोर को भारी मात्रा में असला और कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज सुबह 8-9 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लोहब लखेड़ा में दो पक्षों के मध्य गोली चलने की सूचना है। इंस्पेक्टर घिरोर के नेतृत्व में पुलिस टीम वहाँ गई और उन्होंने वहाँ से गोली चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अनूप है एक पक्ष, दूसरा पक्ष चंद्रशेखर और अनिरुद्ध है। इन लोगों से 5 असला बरामद हुए हैं, जिसमें एक डीवी वी बंदूक है, 3 देशी राइफल हैं और एक रिपीटर है। इन सबको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनसे कारतूस भी बरामद हुए? हाँ, लगभग 1.5 दर्जन कारतूस बरामद हुए हैं, जिंदा चले हुए कारतूस। बहुत